हेलो फ्रेंड्स, राधा किचन तड़का में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए अमेजिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ नींबू पाउडर की। नींबू पानी बनाने के लिए हम नींबू पाउडर बनाकर स्टोर कर रख सकते हैं। इसके लिए मैंने 1/2 kg नींबू लिए हैं और इन्हें कट कर इनका रस निकाल लेंगे। ऐसे सारे नींबू का रस निकाल लूंगी। यहाँ मैंने सारे नींबू से रस निकाल लिया है और इसे छान लिया है। अब हम कोई बड़ी प्लेट लेंगे जो साइड से उठी हुई हो, और मेजरमेंट के लिए किसी भी कप कटोरी में इसको डालकर देखेंगे हमारा रस कितना निकला। यहाँ 1 कटोरी नींबू का रस निकला है। अब हम इसी कटोरी से चीनी डालेंगे। 1 कप नींबू का रस था, इसके लिए 4 कटोरी चीनी डालेंगे। यहाँ मैंने 4 कटोरी चीनी डाल दी है। ये परफेक्ट मेजरमेंट है इसका, इसमें आप कम ज्यादा ना करें। इसे अच्छे से मिला लेंगे। 4 से 5 दिन इसे सूखने के लिए रख देंगे, और इसे धूप में ना सुखाएं। धूप में रखेंगे तो ये सूखेगा ही नहीं, मेल्ट हो जाएगा, इसलिए फैन के नीचे रखें 4 से 5 दिन। तो मैं इसे 4 से 5 दिन सुखाकर फिर आपको दिखाती हूँ, और फिर इसका पाउडर बनाएंगे। 5 दिन के बाद नींबू और चीनी सूख गए हैं, ये ड्राई हो गए हैं। अब इन्हें पीस लेंगे, एक मिक्सी के जार में इन्हें डालकर अब पीस लेंगे। मिक्सी के जार में डालने के बाद इसमें डालेंगे 1 teaspoon सेंधा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे पीस लेते हैं और पाउडर बना लेते हैं। इसकी क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण मैंने 2 बैचेज में पीसा है, और हर बैच में इस 1 teaspoon नमक डाला है, सेंधा नमक। और अब हम इसे एयरटाइट कंटेनर में, डब्बे में, किसी में भी भर कर रख सकते हैं। यहाँ मैंने 1 बॉक्स फुल कर लिया, और बचे हुए मिश्रण को हम दूसरे बॉक्स में डाल देंगे। आप इसे 3 से 4 महीने तक स्टोर कर रख सकते हैं। इस पाउडर के लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला, इसे धूप में नहीं सुखाना, और दूसरा, इसमें गीली चम्मच नहीं देनी, इसे बिल्कुल सूखी हुई चम्मच से ही ले। 1 गिलास पानी में 1 टेबलस्पून पाउडर काफी होता है, बाकी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसे मिलाएं। अब नींबू पानी इतना आसान कि आपके बच्चे भी बना सकते हैं मिनटों में। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।